देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के गदरपुर तहसील कार्यालय में हल्द्वानी से आई विजिलेंस टीम ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर लेखपाल सुशील जुनेजा को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत करने वाला युवक वकालत पढ़ रहा है। विजिलेंस इंस्पेक्टर आर के मेहता ने जानकारी देते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका मकान नेशनल हाईवे में आ रहा है, जिससे संबंधित रिपोर्ट लगाने के लिए उसने 25,000 मांगे थे, जिसका सौदा बाद में 10,000 रुपए में तय हुआ। विजिलेंस की टीम ने नोटों पर पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता को पैसे दे दिए। जैसे ही नोट लेखपाल सुशील कुमार जुनेजा के हाथ में आए, विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लेखपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए हर्ष तनेजा की रिपोर्ट। हाँ, इसमें ही हमारे पास एक आसिफ नाम के व्यक्ति हैं, जो जमीन का जिनका मुआवजे का ये यहाँ प्रकरण चला था तहसील में, तो ये पटवारी हैं सुशील कुमार जुनेजा। इनके पास इनकी फाइल वाइल बनी थी, उस पर इन्हें रिकमेंड करना था उसको, उसके एवज में ये इनसे रुपये मांग रहे थे रिश्वत, जिसकी शिकायत इनके द्वारा कल हमारे सेक्टर ऑफिस हल्द्वानी में की गई थी, और उसकी जांच करने के बाद ये मामला सही पाया गया। तो आज तक टीम यहाँ आई, और जब शिकायतकर्ता ये आसिफ ने ये पटवारी सुशील कुमार जुनेजा को 10,000 रुपये दिए, उसको रुपये के साथ 10,000 के साथ में रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब लिखा पढ़ी आवश्यक लिखवाड़ी करके हम इस तरह इन्हें ले जाएंगे, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके नजीर लेंगे। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।